तो हेलो टू टोयोटा क्रोला क्रॉस हाइब्रिड। सो ये इसका फर्स्ट, पहले तो वॉक अराउंड बनाया था, आज आपको इसके मेन सेलेंट फीचर्स भी दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट आप सिर्फ गाड़ी की वाइब चेक करें। बेहतरीन कर्व्स हैं कार के, फ्रंट फेंडर पे भी हैं, उसी के साथ ये बैक फेंडर पे हैं। ये इसकी बैक साइड है और उसी के साथ ये लेफ्ट साइड। हम गाड़ी को देखते जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो ग्रिल है ये पियानो ब्लैक कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसको नज़दीक से देखें तो इसका मटेरियल बहुत ही बेहतरीन है, ये थोड़ा सा ग्रेस टच है। और इसी के साथ इसके बाई जिनॉन हेडलैम्प्स हैं जिसके अंदर टोयोटा क्रॉस की बैजिंग भी है। और उसी के साथ नीचे बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल हैं और फॉग लाइट्स भी अवेलेबल हैं। फॉग लाइट्स भी LEDs ही हैं। सो ये है फ्रंट लुक ऑफ टोयोटा क्रॉस। ज़्यादा अगर हम ऊपर देखते जाएँ तो गाड़ी के अंदर रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मौजूद हैं और सनरूफ भी अवेलेबल है। और उसी के साथ रूफ रेल्स भी पियानो ब्लैक कंट्रास्ट के अंदर हैं। फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग है और नीचे 17 इंच का अलॉय रिम है जो कि GTR जनरल का टायर है। और उसी के साथ दिस इज़ द साइड मिरर जिसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये इसके फीचर्स के अंदर है। कार की ही हमारे पास है, सो स्मार्ट एंट्री इसके अंदर मौजूद है और ये कार का इंटीरियर है। सारी विंडोज़ ऑटो पावर्ड हैं, लाइट सिर्फ इसी के अंदर है और बाकी साइड मिरर्स के कंट्रोल्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर ब्रूनो इंटीरियर अवेलेबल है और इसी के साथ ड्राइवर की सीट 6-way एडजस्टेबल पावर है। इंटू द कार एंड एक्सप्लोर इट। फर्स्ट ऑफ ऑल डोर क्लोज करते हैं। ये गाड़ी की ओवरऑल डैशबोर्ड फील है और अली हमारे साथ मौजूद हैं। सो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे पावर बटन। एंड दिस इज द साइलेंट स्टार्टअप ऑफ टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड। ये होता है हाइब्रिड का चस्का भाई, कोई साउंड ही नहीं है, मतलब जस्ट लिसन नथिंग। इसकी MID है और ये इसके यहाँ से कंट्रोल्स हैं। अगर हम इसको देखें फ्यूल लो की ये ऑप्शन दे रहा है एंड नथिंग। बटन्स की फील बहुत अच्छी है। ऑटो लाइट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, ऑटो वाइपर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं और हैंड ब्रेक वो नीचे फुट के अंदर है। ये देखें यहाँ पे पार्किंग का बटन भी आया था और ये पार्किंग निकाल दी। इसी के साथ ये MID जो कि हम अभी आगे एक्सप्लोर करेंगे। और ये है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जिसमें इको कूल एंड हीट का ऑप्शन है और ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। ये देखें इसका इस तरह का डिजिटल डिस्प्ले है, यहाँ से हम इसको ऑफ कर देते हैं। उसी के साथ नीचे ये EV का बटन अवेलेबल है, साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है और ड्राइविंग मोड है और ये छोटी सी एम्बिएंट लाइट भी है इसके अंदर। साथ गियर बॉक्स आ गया, कप होल्डर्स और 12 वॉट का चार्जिंग आउटलेट भी है। देखिए MID बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्राइट है और इल्यूमिनेटेड है। इसी की साइड पे यहाँ पे फ्यूल गेज है, नीचे हीट गेज है और इस साइड पे हाइब्रिड इंजन की ऑप्शन है। ओवरऑल गाड़ी के सिटिंग पोस्चर से लेके इसका सिटिंग व्यू बहुत ही अमेजिंग है। साइड पे ये क्वार्टर ग्लासेस आप देख लें, ये पिलर्स बिल्कुल इसमें माइनर फील होते हैं जब आपको ये साथ बड़े स्पेशियस फील देते हैं। गाड़ी के अंदर जो रेयर व्यू मिरर है वो भी ऑटो है, इसके अंदर आपको वो मैनुअल वाला कोई सीन नहीं है। इन टू द बैक डोर ऑफ द कार, ये इसके साइड डोर्स हैं, यहाँ इसकी पॉकेट्स हैं, विंडो के कंट्रोल्स एंड दिस इज़ द इंटीरियर। गाड़ी का रूम काफ़ी स्पेशियस है और उसी के साथ ये रेयर व्यू से आगे डैशबोर्ड का व्यू और उसी के साथ ये कप होल्डर्स की जगह है, आर्मरेस्ट है जो कि बहुत ही अमेजिंग एम्पल स्पेस में है। तो इसी के साथ इसका ऑटो ट्रंक हम चेक करते हैं जो कि किक स्टार्ट सेंसर के साथ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हेलो हेलो हेलो, ये इसकी शीट है। आप इसको पीछे करते हैं, गाड़ी के अंदर बिल्कुल एम्पल स्पेस मौजूद है और उसी के साथ इसका स्पेयर टायर फुल साइज मैट्स पड़े हैं और यहीं पे ऑटो ट्रंक एंड दैट्स इट।
ये जो है ना, ये है प्रीमियम फील्स भाई। बैक लाइट्स के अंदर टोयोटा क्रॉस की लेबलिंग मौजूद है, और उसी के साथ ऊपर जो क्रोम लाइन है उसके अंदर भी है। अटेंशन टू डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये था टोयोटा क्रोला क्रॉस का एक छोटा सा रिव्यू, और ये बहुत ही बेहतरीन था। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा।